जो मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ है उसमें हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि भाई हमारा मुल्क पाकिस्तान, जो मुझे कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ क्या दुश्मनी थी, मेरे साथ क्या दुश्मनी थी कि मैं उस मुल्क में पैदा हो गई। आई स्वेयर टू गॉड कि मेरे साथ क्या, अल्लाह मियाँ, भगवान, जीसस, आप लोगों ने क्या सोच के मुझे उस मुल्क में पैदा किया था। मैं लगती कि मैं जूल की हूँ, मैं लगती नहीं ना, तो मेरे को क्यों आप पैदा कर दिया जहाँ पे इतने सारे चूतिए हैं। चूतिए, अगर आपने चूतियों का वो देखना होगा ना कि विच कंट्री हैज मोस्ट टट्टा या चूतिया पीपल, तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आना है, पाकिस्तान नंबर 1 पे आना है। ये लोग थोड़ा बहुत ही कम नीचे होंगे शायद, सॉरी नंबर 1 पे नहीं, नंबर 1 पे शायद तालिबान आ जाए, मगर उसपे, मगर तालिबान भी जो है ना, नहीं तालिबान जो है ना वो हिपोक्रेट नहीं है, वो हिपोक्रेट नहीं है आप लोगों की तरह। वो खुद भी नहीं करते हैं तो आप लोग दूसरों को भी नहीं करने देते। तुम लोग खुद करते हो और दूसरों को कहते हो नहीं तुम क्यों कर रहे हो, बैठ के यहाँ मेरी लकीर देखनी होगी इनको, और फिर कहेंगे शर्म तुम करो, लकीर तुम देख रहे हो, सेक्सुअल कंटेंट तुम देख रहे हो, और जो दिखा रही है उससे कहते हो शर्म करो। तो तालिबान ना फिर भी आपसे नंबर 2 पे आएंगे, आप लोग नंबर 1 चूतिया, नंबर 1 चूतिया। अब बोलेंगे ओए हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ये साजिश है हमारे मुल्क को बदनाम करने की। तुम्हारे मुल्क को बदनाम करने के लिए मैं करूंगी या किसी और को करने की जरूरत है? तुम लोग खुद देखो ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हो, अभी थोड़े ऐसे ब्लैक लिस्ट में भी बैठ जाओगे। तुम लोगों को जरूरत है? तुम लोग अपने मुल्क को खुद बदनाम करते हो ऐसे ऐसे कॉमेंट्स लिखकर। किसी और को जरूरत नहीं है पाकिस्तान को बदनाम करने की, आप ही काफी हो, आप लोग काफी हो मुल्क को बदनाम करने के लिए। ये वकार जखा जैसे टट्टे, इमरान खान जर्नलिस्ट, सबसे बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर, भाई कोई और क्या बदनाम करेगा हमारे मुल्क को। सबसे पहले बैठे हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते हैं कि लड़की का रेप तो होगा ही, लड़की को लोग हाथ तो लगाएंगे ही अगर वो छोटे कपड़े पहनेगी, तो इसमें बकरी का क्या कसूर था? बकरी ने कौन से छोटे कपड़े पहने हुए थे? ओ बकरी तो कपड़े पहनती नहीं है, बकरी को भी पूरा बुरका पहनाओ, चूजों को भी बुरका पहना दो, हर किसी चीज को बुरके से ढाप दो तुम लोग, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो होल है ना वहीं पे घुस जाते हैं सारे के सारे। सो आज तो ये तालिबान अच्छे लग रहे हैं, हाँ तुम लोगों से कंपेरिजन वो ज्यादा अच्छे हैं, एटलीस्ट तुम लोग इतना मुनाफिक तो नहीं है ना, तुम लोग मुनाफिक बहुत हो। सो इमरान खान और तालिबान, भाई भाई, यू नो भाई भाई, मैं तो कहती हूँ तालिबान तुम लोग जाओ पाकिस्तान में, ये सारे टट्टे बैठे ना बकार दकार, ये सारों का इंटरनेट बंद करवाओ, इनको लगाओ ग्रुपों में, कमाएंगे ना ये जब इनकी गांड इतनी फटेगी, फिर भाई चौथ बैठ के वहां पे कमा रहे हैं डॉलरों में, और फिर अभी यहाँ पर आके बकवास करते हैं, वही वेस्ट है जिसकी तुम लोग खा रहे हो, जिसने तुम लोगों को रिस्क दिया हुआ डॉलरों में कमा कमा के, अपनी सांडे इतनी बड़ी बड़ी कर ली है तुम लोगों ने, उन्हीं को गालियां देते रहते हो, उन्हीं को गालियां देते रहते हैं। बैन करो यूट्यूब यार, टिकटॉक बैन करो, सब बैन करो इन भाईचारों को, कहा था कि तुम लोगों ने इनको उठा के वो नहीं होते गंजे को नाखून देते ना, तो अपनी गंज खुजा देता है, इनका वही हिसाब है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उस बंदी ने जो भी किया, उसने जो भी किया, वो बंदी अगर नंगी भी पहुंच जाती वहां पर, आपका कोई हक नहीं बनता था कि आप उसको हाथ भी लगाओ। ये बहुत ही भाई चौध गांडू किस्म के इंसान थे जिन्होंने ये चीज की है वहां पर, और बहुत ही गांडू, निहायत ही कोई, मैं क्या बोलूं, किसी गांडुओं की औलाद हैं जिन्होंने, जो अब ये ट्विटर पे ट्रेंड जो चला रहे हैं ना कि इस बंदी ने ये कॉन्स्पिरेसी की है सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, तो चूतिया हो लोगों, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पाकिस्तान को वैसे ही रोजाना बदनाम कर रहे होते हैं बहुत सारे काम कर करके, समझ में आई ना? सबसे पहले तो आपने तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, और मैं तो दोनों सब 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 यहाँ पर दोनों दोनों हाथों उठा के ना दुआएं मांगो इन्हीं के खुदा से कि तालिबान आ जाए पाकिस्तान में, ताकि जितने गांडू चूतिए लोग बैठे हैं ना, जो ये अपना मोबाइल लगा के निकाल के फॉरन दिखाना शुरू हो जाते हैं, इनके सबके मोबाइल खींचो, इंटरनेट बंद कीजिए, यूट्यूब बंद कीजिए, सब बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए, इनको गारों में डालो, और इनसे गाड़ियां भी लो, और इनसे वो खच्चर पे सवारी करो। अब तुम लोग कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो ये वक्कार ज़का का जो है ये कॉइन अप और ये टर्न अप और ये सारा क्रिप्टो बंद करवाओ इन सबका, ये सब हराम है तुम्हारे उसमें। हाँ कहाँ लिखा है कुरान में हदीस में कि क्रिप्टो करेंसी जो है हलाल है? हाँ इट्स एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आपके उसमें हराम होता है, तो आपने कैसे हलाल बना लिया? जहां इनका मतलब होता है वहां चीजें हलाल बना लेते हैं, जहां इनका मतलब होता है वहां पे चीजें हराम बना देते हैं। इनसे पूछिए ना, इसे ही सेम वे विद खलील उर रहमान, कि खलील उर रहमान जब इनका मर्जी होती है हलाल बना लेते हैं, जब इनकी मर्जी होती है ये हराम कर देते हैं उसको। खलील उर रहमान से मुझे एक बात याद आई कि खलील उर रहमान का एक वो आया है,
क्लिप आया है इस पे, उन्होंने क्या कहा, वो खुद बैठ के उन्होंने भी मान लिया, उन्होंने खलील रहमान ने मान लिया कि ये शायद ये औरतें, वुमेन राइट की जो औरतें, ये वाकई में सही कह रही थी कि इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। चलो शुक्र है, पता नहीं अल्लाह मियां आपका मौजजा है ये कि आपने थोड़ी सी अकल खलील रहमान के अंदर डाल दी है थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कब तक रुकती है, मगर दैट वॉज अ ह्यूज चेंज, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट, थैंक यू खलील जी, आज मैं आपको गाली नहीं दूंगी क्योंकि आपने सेंसिबल बात की है। व्हाट इज हलाल फॉर मौलवीज एंड हराम फॉर कॉमन पीपल, मौलवियों के लिए सारी चीजें हलाल है और बाकियों के लिए सारी चीजें हराम है, वो जो भी करे वो इट्स ओके, यू नो। एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच। क्या बोल रहे हैं भैया आप, काओ मोटर डीलर ठीक है भाई, और हेट दो किसी रिलीजन को, आपकी रिलीजन सबसे ज्यादा रिलीजन आपकी हेट फैला रही है, तालिबान को देख लो, आपके अपने मुल्क में देख लो कि औरतों पे हेट हो रही है, एक बंदी के साथ इतना बड़ा वाक्य हो जाता है तो आप लोग बैठे हो हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो, अपने पहले गरेबान में झांको और फिर देखो कि हेट कौन फैला रहा है, अगर आपके पास दिमाग हो। मगर मैंने तो पहले ही कहा था कि अल्लाह मियां ने जितने भी आपके कौम के लोग बनाए ना, उनका दिमाग डाल दिया उनके लुल पे, ठीक है ना, गलत जगह पे दिमाग चला गया एक्चुअली, यू नो। यूजली यहाँ पर ना एक कहावत होती है, जैसे कि ना एक वर्ड होता है ना ब्लो जॉब, दूसरा कहते हैं उसको कि वुड यू लाइक टू गिव मी हेड, क्योंकि वो समझता है कि ये उनका दूसरा सर है, बंदों ने ये इजाद किया हुआ वर्ड, तो यू योर ब्रेन इज इन योर सेकेंड हेड, दैट्स व्हाट इट इज। तो अब आप कहाँ से सोच रहे हैं, आप यहाँ से सोच ही नहीं रहे ना, जब तक आप यहाँ से नहीं सोचेंगे तब तक आपकी समझ में आएगी नहीं ना हमारी बात बहुत ऊंचे लेवल की है, उसके लिए उस लेवल पे आपको आना पड़ेगा। सो हेट जो है ना आपकी रिलीजन फैलाती है, आपकी रिलीजन कहती है कि LGBTQ जो है उनको मार दो, औरत को एक बुरके में एक पूरे लिहाफ में पहना कर उसको घर के अंदर बंद कर दो ताकि औचार वो सिर्फ बच्चे पैदा करे, उसकी इज्जत उसके टांगों के बीच में है बस, और आपकी भी इज्जत जो है ना उसके टांगों के बीच में है, पूरे खानदान की इज्जत उसके टांगों के बीच में, पूरा खानदान तो छोड़ो पूरे मोहल्ले की इज्जत उसके टांगों के बीच में एक औरत के, समझ में आई ना। तो आप ये बातें ना अगर आपने वाकई में करनी है तो आके जरा कर लो, मुझसे नीचे बैठ के बकवास नहीं करो।